जंगल में लकड़ी बीनने गई नाबालिग को बदनीयती से खींचा। क्षेत्राधिकारी ने थाने पहुंचकर ली मामले की जानकारी। बेवर थाना क्षेत्र के गांव में अपने परिजनों के साथ जंगल से लकड़ी बीनने गई नाबालिग लड़की को एक युवक ने बदनीयती से पकड़ लिया। लड़की की चीख पुकार सुनकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता द्वारा थाने में तहरीर दी है कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपने परिजनों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, तभी पड़ोस के गांव जगतपुर का दाताराम उनकी पुत्री को बदनीयत से खींचकर सरसों के खेत में ले जाने लगा। उसके आंतरिक अंगों से छेड़छाड़ करने पर लड़की ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पास में मौजूद लड़की के परिजन पहुंच गए, जिसे देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर द्वारा पूरे मामले की जांच कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटी है? बच्ची गई थी लकड़ी बीनने के लिए, ठीक है जी। तो हाँ, ये दाताराम था, ये जबरदस्ती खींच के ले गया ला के खेत में, ठीक है। जबरदस्ती इसने छेड़खानी की उसकी चीखन के लिए, ना जो कि शरीर के दबा के उसने हम लोग यहाँ थाने लेके आए सर, ठीक है। थाने में कार्रवाई कर रहे, जबरदस्ती इसने छेड़खानी की, जबरदस्ती उस बच्ची की चीख निकली। तो हम लोग सब सारे लोग भाग के एकदम तुरंत गए, तो मौके पर एकदम तुरंत भाग गया, फरार हो गया। दोबारा से पकड़ मतलब कार्रवाई की, पकड़ के आए यहाँ थाने लेके आए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव रतन। पिताजी का नाम? श्री केश सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम तोड़रपुर। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया यहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर।